भूसभा द्वारा जो जम्मू का तवी ब्रिज है वो ब्लॉक किया गया है, और ये क्राउड आप एक तरफ देख रहे हैं कि गाड़ियां यहां पर जो है कितनी धीमी गति से चल रही हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ यहां पर युवा राजपूत सभा के कुछ मेंबर्स हैं और एक्स प्रेसिडेंट यहां पर सुरिंदर सिंह गिल्ली यहां पर हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं। आज भी तवी ब्रिज बंद किया गया, मुझे याद है कि लास्ट मंथ भी बंद किया गया था, हालांकि मौसम खराब था, क्या कहेंगे? देखो एक डिमांड है महाराज साहब के मान सम्मान की, 23 सितंबर की छुट्टी थी, अज राणा साहब भी गलती करना जाम च फसी अहें लभी हैं, अज उन्दे वाला वह भी आखिए गए कि 23 सितंबर की छुट्टी होनी चाहिए है, और अस गौरमेंट का अपील करने एल जी साहब का भी बड़ी दिन अपील करा रहे, अज ए डी सी साहब आए हैं, उन्हें आश्वासन दिता सही कि 23 तरीक जी है दो चार दिन से जल्दी कर जल्दी एल जी साहब ने मीटिंग थोड़ी फिक्स कराई जा, अस उन्दे का भी डिमांड रखे। जम्मू कश्मीर के मान सम्मान की गल है, जल्ले हिंदुस्तानी खुआने का गर्व महसूस करने वो महाराज साहब की देन है, छुट्टी तो आने वाली नहीं ना सप सूंगी का, अपने दफ्तर दिखो इन्हें मूर्तियां ला दी। आपने एल जी साहब का जिक्र किया, पहले भी कोशिश की गई एल जी साहब से मिलने की, क्या अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाई या वहां तक मैसेज ही नहीं पहुंच पाया? आप पता नहीं, हमने तो पूरी कोशिश की, आप मैसेज पहुंच पाया नहीं पाया, आप मिलेंगे जस्ट 10 दिन में मिलेंगे, फिर देख लेते हैं कि उनको उनके तक बात पहुंची है नहीं पहुंची है। हमने तो कोशिश की अपनी बात पहुंचाने की, तो कौन सी नई बड़ी बात है जनाब, रोड बंद हो जम्मू बंद हो तो एल जी साहब तक बात ना पहुंचे, एक छोटा सा ट्वीट उनके पास पहुंच जाता है तो हमारी बात नहीं पहुंचे वहां, ये कौन सी बात? आम आदमी जो डोगरा है उसके जहन में ये चीज है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, यानी कि अभी जो मौका है और उस मौके का जो एक फायदा है वो उठाना चाहिए, ऐसा आम आदमी का एक माइंडसेट है, क्योंकि अगर सेंटर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी है, एलजी साहब भी जिस तरह बीजेपी कहती है कि अपना आदमी है, तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, कैसे देखते हैं? ये चीज तो लीडर दिखनी चाहिए ना, जिंदी पावर है, हुन बीजेपी वाला पावर च क्या समझो, पहले ही पावर ची हूं भी पावर च है, पहले चलो मैडम छुट्टी नहीं होन दिंदी, हूं तो मैडम भी नहीं दे रही, हूं पापा और गण तू हूं तो छुट्टी दे उड़ो, तो जे हूं नहीं तो कदों होनी है? सब तू वड्डी देशभक्त पार्टी आई सत्ता च, जेल छुट्टी नहीं लो तो कदों लभनी है? साड़ी हाथ जोड़ी उन्होंने डिमांड है, अहें मजबूर नहीं करो जम्मू बंद की काल देने पर, कि अज अगर एक एक पुल दो पुल बंद करा पूरा जम्मू कश्मीर बंद करचा फिर गए छुट्टी देंगे। अड़े माध्यम कहने एल जी साहब की भी आखना चाहते हैं कि जल्दी करो जल्द, जम्मू के डोगरे के मान सम्मान की गल है, महाराज साहब के मान सम्मान की गल। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जिस तरह आपने कहा कि पुल बंद किया जा रहा है या क्या इस तरह की जरूरत आन पड़े कि हम जम्मू बंद करें, एक जो जम्मू का डोगरा है, जम्मू मैं पूरा जो प्रांत है उसकी बात कर रहा हूँ, डोगरा डायनेस्टी का एक अपना एक इतिहास रहा है, रूलर्स का एक इतिहास रहा है, क्या लगता है कि जो डोगराज हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, ये छुट्टी नहीं दी जा रही? देखो पहला भी ये आते है कि जो बीजेपी सत्ता च नहीं थी ये आती जम्मू वाली आवाज नहीं सरोच दी, तो हूं सत्ता च आए हूं भी नहीं सरोचा दी, तो कदों सरोचनी है समझ नहीं आती ना, हूं तो कोई कश्मीरी हुक्मरान नहीं ना, जे हूं नहीं डोगरे की गल देखो पहले भी नहीं सरोचती, अहें पता पहले भी नहीं सरोचती, मगर सरोची इंदे टाइम भी है नहीं, तो सुनो अज 3 साल इनकी पहले पावर रही, 3 साल तो 2 साल एल जी साहब भी आई है, 5 साल हुई है, 5 साल की गल नहीं सुना दे तो कदों सुननी है, ये आदे अस जम्मू की गल रखिए कोई गल रखा दे, साडे दिहाड़ीदार दिखो फसल का बीमा मत तबाही है जम्मू की, जम्मू प्रामिस की तो लीडरी कदों करनी, 5 सीटा जम्मू चू लैनिया, पीटा पंजाब प्लस कदू लैनिया, श्रीनगर पंजाब भी जम्मू लैनिया, पंजाब है नहीं जम्मू प्रांत दियां, बदले ने 50 लैनिया लैनिया उहदे कोला, जोले वोट लैने की बारी आती उल्ला महाराज साहब चेता इंदे इंदे फ्लैक्स बोर्ड पिछे लगी जाते, इंदे दफ्तर लगी गए, जल्द छुट्टी देने की बारी आती सब दुखी हूँ, राणा साहब बड़ा आश्वासन देइए गए, तो मैं तुहाडे माध्यम तो जरूर पुछियो नहीं कि भाई तू आश्वासन देइए दे छुट्टी कौन देनी है? चलिए तो डिमांड हमारी यही है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए, और एजिटेशन है ये लेकिन अब वो देखने वाली बात होगी अभिषेक जम्मू परिवर्तन के लिए।